बारह के बच्चों, मैंने कल आपको डीआर और डीसीज के बारे में काफी विस्तार से समझाया था। तो आप लोगों ने डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन कोसाइन वगैरह पढ़े और उम्मीद है पहली एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करे हों। थोड़ा सा ज्यादा कुछ इनमें था भी नहीं, वेक्टर वगैरह ही बनाने थे, अदिश राशि से अदिश राशि, इस तरीके की बातें थी इसमें। मुझे उम्मीद है कर लिए होंगे तुमने और प्रॉब्लम भी शायद कोई नहीं आई होगी। तो आज बेटा थोड़ा सा काम को आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक जो है एडिशन ऑफ वेक्टर, यानी सदिशों का योगफल। तो हालांकि तुम सदिशों का योगफल कल पढ़ चुके हो, लेकिन थोड़ा उसी का विस्तार सा रूप है। जैसे एक सदिश है आपके पास ए बी और दूसरा जो सदिश है वो है बी सी। ठीक है बेटा, तो एक सदिश ए बी है तो हमने क्या करा, सबसे पहले ए बी सदिश को खींचा। तो ये सदिश का क्या है भाई, पूंछ, और ये क्या है, सिरस। ऐसे तो बताया था कल आपको, ये क्या होती है टेल, ये क्या होता है हेड। दूसरा सदिश है आपका बी सी, तो बेटा बी का, बी के लिए ये क्या है, पूंछ, ये क्या है, सिरस। ठीक होगी बात। पहले सदिश को आप लिखें और दूसरे सदिश की पूंछ पहले सदिश के सिरस पर मिला दो। तो बेटा ये जो आपका ए बी हो गया और बी सी हो गया, अब इन दोनों का हमें टोटल करना है। तो यानी ए बी प्लस बी सी दोनों का योग करना है। तो दोनों का योग कहाँ से मिलेगा हमको, मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले आप ए बी सदिश को खींचो, फिर आप बी सी को खींचो, और बी सी का जो पूंछ है वो ए बी के शीर्ष से मिला के तब खींचो, जो डायरेक्शन वगैरह जो है वो वही रहेगी। फिर इन दोनों का जो योगफल होगा वो क्या होगा, ए से सी को आप मिला दो, ये होगा ए सी, यानी पहले वाले की पूंछ और दूसरे वाले का फाइनली सिर्स। अरे जैसे एक सेल के पीछे दूसरा सेल नहीं लगाते आप रिमोट वगैरह में, एक सेल लगाया फिर दूसरा सेल लगाया फिर तीसरा सेल लगाया, बैटरियां जोड़ते हैं, तो फाइनल जो वोल्टेज है वो कैसे मिलती है, सबसे पहले वाले का पूंछ और सबसे बाद वाले का सिर्स। तो वही तो काम यहां किया हमने। तो ये होता है सदिशों का योगफल। तो मुझे उम्मीद है कि क्लियर बात समझ में आई होगी कि सदिशों का योगफल होता क्या है। मैं तुम्हें फिर से एक आध सदिश का योगफल करके दिखाता हूँ। सपोज करो एक सदिश ये है ए, ठीक, और एक सदिश ये दिया है आपको बी, और तुम्हें किया जाए कि इन दोनों का आप योगफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले आप पहला सदिश खींचे, जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में, इट इज ए। फिर आप दूसरा सदिश खींचे, जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में, उसकी डायरेक्शन ऐसे थी, बस ध्यान रहे उसकी जो पूंछ है वो कहाँ मिला दे, पहले के शीर्ष पे, ये है बी। और रिजल्ट क्या आएगा, पहले वाले की पूंछ और बाद वाले का शीर्ष मिला दे आप, तो इट इज कॉल्ड ए प्लस बी। बस ज्यादा कुछ नहीं है इनमें, इनमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। तो आप सदिशों का योगफल ऐसे करेंगे, बाकी जैसे जैसे कहीं आएंगे वहां मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए यही है। तो अब हम इसकी पढ़ते हैं प्रॉपर्टी। तो देखिए प्रॉपर्टी क्या होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है, यदि हमारे पास दो सदिश ए और बी हैं, तो आप ए प्लस बी को बी प्लस ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चाहे आप ए में बी जो बी जोड़ दें या बी में ए जोड़ दें, यानी इस नियम को आप पहले ही पढ़ चुके हैं, फिर से बता रहा हूँ, क्रम विनिमय नियम, यानी सदिशों का योगफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ओके उसके बाद दूसरा नियम, अगर हमारे पास ए बी सी तीन सदिश, आप थ्योरी लिखना चाहो लिख सकते हो, यदि ए कोमा बी कोमा सी तीन सदिश दिए गए हैं, तो बेटा आप ए का प्लस करें बी और सी के साथ, या पहले आप ए प्लस बी कर लें और फिर आप इसमें सी को ऐड कर लें, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे आप ए प्लस बी प्लस सी कर लें, चाहे आप ए प्लस बी प्लस सी कर लें। इस नियम को हम क्या बोलते हैं, साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ, यानी सदिशों का जो योगफल है वो साहचर्य नियम का पालन करता है। ठीक होगी बात समझ में आपके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं अब हम यहाँ से, अब हम बात करते हैं योगात्मक तत्समक एडिटिव आइडेंटिटी। इसके बारे में आप क्लास सेवन्थ से ही पढ़ते हुए आ रहे। एक सदिश ए है, इसमें आपने शून्य सदिश ऐड कर दिया,
या फिर शून्य सदिश में ए ऐड कर दिया तो ए पे कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी अगर आप किसी सदिश में एक ऐसा सदिश जोड़ें कि उस सदिश पर कोई प्रभाव ना पड़े तो वो जो सदिश होता है आपका ये क्या कहलाता है, योगात्मक तत्सम, एडिटिव आइडेंटिटी। तो शून्य सदिश क्या कहलाता है आपका, शून्य सदिश योगफल के लिए योज्य सर्वश्रमिका, एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। क्लियर, ये बात तब सातवीं से पढ़ते हुए आ रहे कि भाई आपका एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, जीरो, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कितना होता है, वन। तो जब आप आगे गुणनफल पढ़ेंगे तो वहां कितना आ जाएगा, वन। तो चलो वो तो बात की बात है। तो बेटा तीन नियम मैंने आपको सिखाए, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, एक अदिश से सदिश का गुणन। तो बेटा इसके लिए आप ऐसा करें, सपोज करो ये आपके पास सदिश है ए, क्लियर। तो जब ये सदिश है तो इसमें मापांक भी होगा और दिशा भी होगी, दोनों ही चीजें, दिशा तो आपने बना ही दी। मान लो 30 डिग्री है दिशा इसकी, एक्स अक्ष से धन दिशा 30 डिग्री है सपोज करो, और मैंने इसमें क्या कर दी गुणा 1/2 की कर दी, ये क्या है 1/2a कर दिया। देखो बेटा मैंने कहे की गुणा कर दी 1/2a, तो 1/2 क्या है यहाँ, एक अदिश राशि। तो बेटा a क्या था आपका, सदिश राशि। मेरी बात को ध्यान दें, जब आप किसी सदिश राशि में अदिश राशि की गुणा करते हो तो बेटा दिशा वही रहेगी जो पहले थी, ठीक है, बस ये आधा हो जाएगा लंबाई में। तो यानी अदिश की गुणा करने से काहे पे फर्क पड़ेगा, केवल इसके मैग्नीट्यूड पर, यानी मापांक पर फर्क पड़ेगा। यही चीज मैंने यहां सपोज करो 2a कर दिया, तो 2a करने का मतलब मापांक कितना हो जाएगा इस बार, डबल, दिशा वही रहेगी। कभी तुम दिशा भी चेंज कर दो, तो बेटा समझ में आई होगी बात आपको, जब आप किसी सदिश में अदिश की गुणा करते हैं तो काहे पर फर्क पड़ता है, केवल बताओ, फर्क पड़ेगा उसकी लंबाई पर। दिशा पर फर्क कब पड़ता है, अगर आप कितना कर दो, -1/2a, तो -1/2a आने का मतलब क्या है, एक तो क्या हो जाएगी उसकी दिशा चेंज हो जाएगी, ठीक है भाई, पहले अगर इधर को जा रहा था तो किधर को जाएगा, इधर को, ठीक है, मतलब जो 30 डिग्री थी उस पर नहीं फर्क पड़ेगा, केवल इसका मोर पूछ बदल जाएंगे, इसका मोर पूछ पहले उधर को था अब इधर को हो गया, और लंबाई कितनी हो जाएगी, आधी, केवल इतना फर्क पड़ता है। अब इसको लिखने का जो तरीका वो ये है कि अगर आप किसी वेक्टर में लैम्ब्डा की मल्टीप्लाई करते हो, मैग्नीट्यूड करते हो, तो बेटा लैम्ब्डा अलग हो जाता है और ए अलग हो जाता है, ठीक है, इसको लिखने का जो तरीका वो ऐसे होता है, ओके, इसको लिखने का जो तरीका वो ऐसे रहता है। तो ये बात सबकी समझ आ गई होगी। अब एक नया टॉपिक है फिर से, योज्य प्रतिलोम, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी थी पहले, इस बार क्या, एडिटिव इनवर्स, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स में क्या हुआ करता था, आप ध्यान करो, एक वेक्टर है इसमें आप क्या ऐड करते कि एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, ठीक है, याद करो आप लोग 7th क्लास को, एक वेक्टर है ए है, एक संख्या है, उसमें आप क्या जोड़ दें कि एडिटिव आइडेंटिटी यानी जीरो आ जाए, तो ए में क्या जोड़ने पर आएगा बेटा, माइनस ए, यानी उसका ऋण जोड़ने पर आएगा जीरो। तो ये जो नेगेटिव वाला माइनस ए है, इसी को हम क्या बोलेंगे बेटा, योज्य प्रतिलोम। यानी किसी वेक्टर के सामने अगर आप माइनस का चिन्ह लगा दें तो वो जो माइनस का चिन्ह लगा हुआ वेक्टर है वो क्या कहलाता है आपका, योज्य प्रतिलोम। ठीक रहेगी बात, समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है, ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आया होगा। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक फिर से शुरू करते हैं, देखो बहुत सारे टॉपिक आ रहे हैं बीच बीच में, इनको सबको याद करना है आपको। सबसे पहले हम लिखेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एक सदिश के घटक। देखो बेटा एक सदिश के घटक क्या होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। मान लो आपके पास एक वेक्टर है आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे, जेड के भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो अगर आप एक्स आई प्लस वाई जे लिखते हो तो यहाँ जो एक्स आई है, ये एक्स आई एंड वाई जे, तो यहाँ जो है एक्स आई एंड वाई जे इज कॉल्ड, क्या कहलाएंगे भाई, ये कहलाएंगे आपके वेक्टर कंपोनेंट। वेक्टर कंपोनेंट यानी सदिश घटक, ठीक है बेटा, ये कैसे घटक कहलाएंगे, सदिश घटक। अब केवल आई जे के गुणांक ले लो तो एक्स कोमा वाई, ये दोनों क्या कहलाएंगे, अदिश घटक यानी स्केलर कंपोनेंट।
याद रहेगा सबके, अगर कोई वेक्टर r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे है तो बेटा एक्स आई और वाई जे इसको हम बोलते हैं सदिश घटक यानी वेक्टर कंपोनेंट, और आई जे के केवल गुणांक ले लो आप एक्स वाई, तो इनको हम क्या बोलते हैं अदिश घटक स्केलर कंपोनेंट। क्लियर बात सभी की समझ आ गई होगी। अब बेटा ये जो एक्स वाई है ना, नोट करके इसको लिख लो, कभी कभी इनको क्या बोलते हैं समकोणिक घटक, कभी कभी इनको क्या बोलते थे बेटा समकोणिक घटक, तो इनको कभी कभी समकोणिक क्योंकि एक दूसरे से 90 डिग्री पर ही होते हैं, तो बेटा इनको हम क्या बोलते हैं समकोणिक घटक। तो बात सभी की समझ आ गई होगी भाई। तो अब हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं बात को। अब आता है समान सदिश। तो देखो बेटा समान सदिश क्या होता है, समान सदिश में ऐसे होता है एक्स आई प्लस वाई जे एक सदिश है और इसके बराबर थ्री आई प्लस फोर जे है। तो बेटा अगर दो सदिश समान है तो समान सदिश होने पर क्या उनके घटक बराबर होंगे, तो बेटा आई का घटक यानी आई का गुणांक आई के गुणांक के बराबर होगा और जे का जो गुणांक है वो जे के गुणांक के बराबर होगा। ठीक है, तो ऐसे हमारे क्या होते हैं दो सदिश बराबर होते हैं। तो ये बात सबकी समझ आ गई होगी आप लोगों के। तो थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं बात को। तो बेटा आज का जो गृह कार्य रहेगा, उदाहरण 4, 5, 6 करोगे आप, और बेटा एक्सरसाइज के 1 से लेकर 9 तक के क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, फिर भी अगर कोई नहीं आता तुम्हारे से मेरे से पूछे, लेकिन बेटा पहली जो थ्योरी है उसको पक्की जरूर कर लें। अगर थ्योरी पक्की नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, बस ये ध्यान कर ले मेरी बात। बेटा थ्योरी में आपको पढ़ाया एकक सदिश, तो एकक सदिश होता कैसे है, थ्योरी में आपको पढ़ाया योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम होता क्या है, थ्योरी में आपको पढ़ा एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी होती क्या है, थ्योरी में आपको पढ़ाया घटक, तो घटक होता क्या है। बेटा अगर घटक पता होगा तभी तो क्वेश्चन तुम कर पाओगे। ठीक है बेटा, तो आप लोग थ्योरी को कंप्लीट करें अच्छे से, और आज का जो काम मैंने बहुत थोड़ा काम आज आपको दिया है, कल मैं इसका और फॉर्मूले वगैरह और पढ़ाऊंगा कल इसको, फिर मैं इसके काम को थोड़ा और आगे बढ़ाऊंगा। तो बेटा आज के लिए इतना ही काम है, इसी काम को आज कंप्लीट करें।